कर्मों का संचय करते रहते हैं, कर्मों को बढ़ाते रहते हैं। कर्म आप ये समझो, जिस प्रकार से कोई दुकानदार है वो अपना सामान बेच रहा है, मार्केट में रेट उस सामान का 100 रुपये चल रहा है, वो 120 में उसको बेच रहा है, इससे कर्म नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा। इससे कर्म किस चीज से बनेगा? कर्म उससे बनेगा कि अगर वो सामान जो उन्होंने बोला है कि मुझे 1 किलो दे दो, अगर वो उसको 900 ग्राम देगा, कम तोलेगा, या जो सामान उन्होंने दिखाया है वो नहीं देगा, उससे कर्म बनेगा। आप समझो, गाड़ी ले करके कहीं जा रहे हो, हर कोई जाता आजकल तो, लड़के और लड़कियां भी, पुलिस वाले रोकते हैं। मेरे पास भी आता एक पुलिस वाला, उन्होंने कहा कि जी ट्रैफिक में ड्यूटी लगवा दो। मैंने कहा दरोगा जी, ट्रैफिक में आपके कर्म बढ़ जाएंगे, साधना कम हो जाएगी, आप पैसे लिए बिना नहीं रुकोगे। उन्होंने कहा कि नहीं जी, बस वहीं लगवा दो, मुझे तो वहीं चाहिए। मैंने 4-5 बार उनको बोला कि जीवन में मौका नहीं मिलेगा, समास आज चल रही है कल ना चले, लेकिन अगर आपने भजन नहीं किया और कर्मों का संचय करते रहे। उन्होंने कहा अभी बस बच्चों के रिश्ते हो जाएं, छोटे मोटे काम बाकी हैं ये पूरे हो जाएं, फिर रिश्वत बंद कर दूंगा। मैंने कहा ये आदत लग चुकी है, ये बंद करो तो आज ही हो जाएगी, अगर बंद ना करोगे तो कर्मों का ढेर इकट्ठा कर लोगे। तो आप जो पैसे देते हो उनको, वो चालान ना दे करके पैसे रख लेते हैं और आपको निकाल देते हैं, कर्म आपका नहीं बना, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से दे दिए, कर्म उसका बना जिन्होंने उसको इकट्ठा किया, उसका कर्म बन गया। मैं कई बार जाते हुए देखता हूँ पुलिस वालों को, वो बेचारे ये सोचते हैं पैसे रख दें या चालान काट दें कि कहीं फंसवा न दे, भय के कारण से भले ही थोड़ी बहुत ईमानदारी हो, लेकिन हालात केवल उनके नहीं, समाज संसार और जीवों के ये हालात हैं। इस कारण से हमें कर्म से सावधान रहना चाहिए, हर जगह यही है। आप किसान लोग हैं, कुछ लोग जब पानी का नंबर आता है घड़ी को आगे पीछे कर देते हैं कि तो बस अब की बार का काम चल जाए, या कहीं इधर उधर से पानी उठा लेते हैं। ये कर्म है, ये आपके बच्चे नहीं भुगतेंगे,
आप लोग स्वयं जिम्मेवार हो अपने कर्म के, वो अपने कर्म के जिम्मेवार है। आप जो करोगे उसका भुगतान होगा। ये हमारे सब संतों ने यही बोला है कि कर्म सावधानी से करो, लेकिन कर्मों का हमें पता ही नहीं होता। जो मिल गया उठा लिया, जो दिख गया वो ले चले। ये जो कर्म का संचय होता है ना, ये ध्यान से दूर ले जाता है। आपके जीवन के सुकून में, शांति में विघ्न पैदा करता है, और ये विघ्न आपको अध्यात्म से दूर ले करके जाता है, क्योंकि बेचैनी होने लगती है। कुछ लोग जो बिना सोचे समझे नादानी में चोरियां तक करने लगते हैं कि कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा। मैं उन लोगों को बोलता हूं कि कोई देखे ना देखे वो परमात्मा जरूर देख रहा है। जब हम देख सकते हैं तो वो भी देख सकता है, और आपका कर्म लिखा गया। ये आपकी साधना में विघ्न पैदा करेगा, अड़चन पैदा करेगा। जिस प्रकार से स्पीड से गाड़ी जा रही हो, सड़क के ऊपर बैरियर या ब्रेकर लगा दिए जाए, स्पीड एकदम कम हो जाएगी। अगर दीवार निकाल दी जाए तो रास्ता ही बंद। यही हालत होती है। लेकिन इसको, कर्म के रहस्य को समझना सबसे जरूरी है। अगर हमें अध्यात्म में जाना है तो, अगर हमें मात्र धार्मिक होना है और बस सुनना है कि सुन लिया, ये मत समझो कि सुनना ज्ञान है। मूर्ति को देखना, चित्रों को देखना, कुछ बातों को जानना, कुछ स्वरों को सुन लेना, ये ज्ञान नहीं है। ये समझ लीजिए आप, ज्ञान पैदा नहीं होता, होता ही नहीं पैदा। ज्ञान था, है और रहेगा। बस इतना है कि जब तक अनुभव नहीं होता तब तक पर्दा है, छुपा हुआ है। लेकिन वो पर्दा हटा, कोई फर्क ही नहीं आप में और उस परमात्मा में, कोई भेद नहीं बचता। जिन्होंने भी पाया, जितने संतों ने इतिहास उठा उठा करके देखिए आप, सबने यही बोला कि ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और वही तत्व है, और इसी प्रकार से पाया जा सकता है। परमात्मा को पाना कोई नेत्रों से नहीं होता कि आंखों से देख लिया और वो मिल गए। फिर हमारे संत उसको अनुभव नहीं कहते, हमारे संत बोलते परमात्मा को देख लिया।
और मुक्त हो गए, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला आत्म अनुभव। इस शब्द का प्रयोग किया क्योंकि शब्दों का जाल इस प्रकार से बुना गया और सब रहस्य उसमें उड़ेल दिए, डाल दिए। उसके निचोड़ से जो रस निकलता है वो अध्यात्म नहीं, लेकिन अध्यात्म की तरफ जाने में सहायक है।